गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम विनीत गुप्ता, योर SST टीचर, एंड दिस इज आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर नंबर 3 ऑफ हिस्ट्री। स्टूडेंट्स, पिछले चैप्टर पे हम लोगों ने ये देखा था कि क्या सिचुएशंस बनी थी जर्मनी पे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके बाद से क्या क्या प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ी, किस तरीके से उस पर प्रतिबंध लगाया गया, वर्सायल की एक ट्रीटी साइन की गई उसके बारे में हम लोगों ने बात किया, जिस प्रकार से उस पर फाइन लगाया गया 6 अरब पाउंड का, उसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की थी। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में चर्चा किया कि जिस प्रकार से वहाँ पर बेरोजगारी बढ़ गई थी। फिर हम लोगों ने हाइपर इन्फ्लेशन के बारे में भी बात किया था कि जब बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर मुद्रा जो पैसा था, जो रुपया था, जो उसको प्रिंट किया जाने लगा, छापा जाने लगा, तो किस प्रकार से उसकी जो वैल्यू थी वो गिरती चली गई। हम लोगों ने बात किया था देवास के बारे में और देवास प्लान के बारे में, जिसमें USA और जर्मनी को मदद करता है, बट अनफॉर्चुनेट जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जब पूरी तरीके से क्रैश हो जाता है तो जर्मनी वो जो फंड मिल रहा था वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद की क्या स्थितियाँ बनी थी, क्या सरकमस्टेंसेस थे, उनके बारे में भी हम लोगों ने बात किया था। अब हम लोगों को ये देखना है कि जो हिटलर था इसकी एंट्री कैसे होती है और आगे इसके क्या होता है, तो अब हम लोग यहाँ से देखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हिटलर के बारे में मैं बता देता हूँ कि आपको जो हिटलर का जन्म है वो 1889 को ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। कब हुआ था? 1889 को, 1889 को हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे वो, हिटलर बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे और उनके पास खाने पीने की भी कभी कभी समस्याएं हो जाती थी। इसका कारण ये था कि जो उनकी पारिवारिक स्थितियां थी वो बहुत ख़राब थी। जैसा कि आप लोगों ने बुक पे भी पढ़ा होगा कि ये तो एक बहुत गरीब फैमिली से वो बिलोंग करते थे। इसी गरीबी से निपटने के लिए उन्होंने किया क्या कि जब आर्मी की भर्ती हो रही थी, वहाँ पर सेना की जो भर्ती हो रही थी, वहाँ पर जाके उन्होंने अपना नाम लिखवा दिया और वहाँ की सेना में भर्ती हो गए। अब उन्होंने जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने एज ए सोल्जर वहाँ पे वॉर में हिस्सा लिया था। होता क्या है कि वो सेना में भर्ती हुए, सेना में भर्ती होने के बाद उन्होंने बाद में मैसेंजर का भी काम किया। जब मैसेंजर का इन्होंने काम किया, हिटलर ने जब मैसेंजर का काम किया तो बहुत सारे रैंक्स उनको प्रोवाइड की, मतलब मिली, बहुत सारे मेडल्स अचीव किया उन्होंने। धीरे ये कह सकते हैं कि उन्होंने धीरे धीरे अपना जो एक तबका था, जो एक कद था, जो अपनी पर्सनालिटी थी, वो धीरे धीरे एक लेवल पे ले आए, उसको बढ़ा लिया उन्होंने तेजी से। लेकिन हिटलर के मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। अब आप सोच रहे होंगे कि हिटलर के मन में गुस्सा क्यों था? हिटलर के मन में गुस्सा इसलिए था कि आपको याद होगा कि जब वर्सायल 1918 में जब वर्सायल की जो ट्रीटी साइन होती है तो उसमें जर्मनी को बहुत सारे आपको प्रतिबंधों के बारे में पढ़ना पड़ा कि बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए, बहुत सारा जुर्माना लगा दिया गया और बहुत बुरी स्थिति जर्मनी की हो गई। और जो एडॉल्फ हिटलर थे वो एक सोल्जर थे, तो उनके मन में एक देशभक्ति की भावना थी, जिसकी वजह से उनके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था जो वर्सायल की ट्रीटी साइन की गई थी 1918 में। अब होता ये है कि उस गुस्से की वजह से धीरे धीरे उन्होंने एक समूह बनाना स्टार्ट किया। होता क्या है कि बाद में उन्होंने एक जर्मन वर्कर्स पार्टी थी, एक छोटा सा समूह माना जाता है जर्मन में, उस समय बहुत ज़्यादा बड़ा वो ग्रुप नहीं था, लेकिन फिर भी हिटलर को ये लगा कि ये सही प्लेस हो सकता है उसको ज्वाइन करने का, तो उन्होंने उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। बाद में वही ग्रुप उसका नाम बदल गया और उसका नाम, नया नाम जो हो गया वो हो गया नेशनलिस्ट सोशलिस्ट पार्टी। क्या हो गया? नेशनलिस्ट सोशलिस्ट पार्टी। अब ये जो नेशनलिस्ट सोशलिस्ट पार्टी थी, उसका एक और नाम हो गया जिसको बोला गया नाजीस पार्टी। क्या बोला गया?
राजी पार्टी। अब धीरे धीरे आप सिनेरियो को समझने की कोशिश करिए कि चारों तरफ चल क्या रहा है। अब हिटलर धीरे धीरे अब पॉलिटिक्स में आना स्टार्ट कर रहे हैं। अब होता क्या है कि उस समय वर्तमान में आपको पता होगा कि जब ये वाइमर गणराज्य बना था, वाइमर रिपब्लिक बना था जर्मनी, तो वहाँ पर वाइमर रिपब्लिक की गवर्नमेंट थी। तो जो वर्तमान सरकार थी वाइमर गणराज्य की, उसके समय में आपने देखा था कि बहुत ज़्यादा रोजगार की समस्याएं थी, लोग परेशान थे पैसों के लिए, रोजगार नहीं मिल रहा था, लोगों को खाने की समस्याएं थी, बिजनेस ठप हो चुके थे। और इन्हीं सब चीज़ों को हटाने का एक प्रयास किया था हिटलर ने, जिसके कारण उनको 1923 में एक देशद्रोह का मुकदमा लगा के उनको जेल भेज दिया गया था। क्योंकि उस समय की जो वर्तमान सरकार थी वाइमर रिपब्लिक, वो ये नहीं चाहती थी कि दोबारा जर्मनी में किसी भी प्रकार के कोई दंगे वगैरह हो। है कोई बात नहीं, उनको काफ़ी समय तक जेल में रहना पड़ा और उसके बाद फिर वो जेल से बाहर आ जाते हैं। फिर 1929 में जो वहाँ की बैंक से धीरे धीरे वो दिवालिया होना शुरू हो जाती हैं। अब बैंक के दिवालिया होने से आप समझ सकते हैं कि पूरी तरीके से जो इकोनॉमिक क्राइसिस थी वो हो गई। और सरकार कौन सी थी? वाइमर रिपब्लिक। तो लोगों के मन में एक तरीके का गुस्सा भरता चला गया कि ये सारी प्रॉब्लम्स जो हो रही है ये वाइमर रिपब्लिक के कारण ही हो रही है। इसका फायदा भी उठाया किसने? हिटलर ने। अब हिटलर को ये लगने लगा कि मुझे किसी भी तरह से अब मुझे वहाँ की जो संसद है वहाँ पर इंटर करना है। ठीक है, अब तो हुआ क्या कि 1928 और 29 में जब वहाँ पर चुनाव कराए गए, जब इलेक्शन कराए गए, तो हिटलर की जो पार्टी थी नाजी पार्टी, जिसका नाम था मतलब नेशनलिस्ट सोशलिस्ट पार्टी, आप चाहे नाजी पार्टी कह लीजिए चाहे नेशनलिस्ट सोशलिस्ट पार्टी कह दीजिए, एक ही बात है। तो उसने भी इस बार संसद के लिए चुनाव लड़े और उसको मात्र 2.6% जो वोट मिले। कितना वोट मिला? 2.6%। लेकिन हिटलर ने हार नहीं मानी और जब 1932 में जब दोबारा इलेक्शन होते हैं तो नाजी पार्टी को 37% वोट मिलते हैं और वो जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बनती है। कैसे? 37% वोट मिलते हैं और वो सबसे बड़ी पार्टी बनती है। अब कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं, वो पार्टी कैसे बड़ी बन जाती है, हिटलर अपने आप को कैसे इतना बड़ा डिक्टेटर बना लेता है, तानाशाह बना लेता है, ये सब हम लोग आगे की वीडियो में पढ़ेंगे कि ऐसी क्या वजह थी जिसमें हिटलर को इतना बड़ा राजनेता बना दिया, जिसने जर्मनी की सबसे सर्वोच्च जो सर्वोच्च पद होता है जर्मनी का, वहाँ तक वो पहुँचा और कैसे पहुँचा, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, यू कैन आस्क मी। टिल देन बाय बाय, बी हैप्पी, स्टे होम।